हरदोई के सवाजपुर क्षेत्र में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीरा देवी अवध बिहारी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के वार्षिक कंबल वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जहां इस कार्यक्रम में परेशान गरीब बेसहारे 1500 लोगों को कंबल बांटे गए। वहीं इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत की। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह द्वारा किया गया था। वहीं एक और कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 95,35,00,000 रुपए की लागत से प्रस्तावित 12 सड़कों का शिलान्यास किया, जबकि 10,45,00,000 रुपए की लागत से निर्मित हो चुकी 13 सड़कों का लोकार्पण किया। आइए आपको सुनाते हैं इस मौके पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने क्या कहा। कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में 2009 में यह संसद में विषय लाया गया था और देश की सुरक्षा से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के विषय को सरकार को जानने का हक है। ये कोई निजता के अधिकार पर हमला करना यह उद्देश्य नहीं है, बल्कि उद्देश्य यह है कि हम देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो आवश्यक कदम है वो एजेंसियां उठाएंगी, बड़ी एजेंसियां उठाएंगी। सर, आपकी सरकार में गड्ढा मुक्ति अभियान के लिए काफी जोर दिया गया था, अभी भी गड्ढे नहीं भरे हैं, स्थिति वैसे ही है। गड्ढे ऐसा हम नहीं कहते हैं कि हमने 100% गड्ढे भर दिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के समय के जो पाप के गड्ढे थे उसमें से कितने खत्म कर दिए। अगर आप उस ओर नजर डालेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि हम आपको जल्दी खबर कवर करने के लिए इतनी अच्छी सड़कें बना करके दिए हैं कि आपको हमारा धन्यवाद। सर, कितने गाँव के लोग थे इसमें? हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है और हर साल हम लोग कुछ एरिया तय कर लेते हैं न्याय पंचायत वाइज, और वहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनको इसकी आवश्यकता है उनका पहले चयन करते हैं, फिर चयन करके उनको टोकन देते हैं एक दिन पहले, और उनके लाने की यहाँ तक व्यवस्था करते हैं, उनको वापस भेजने की व्यवस्था होती है। और इस वर्ष लगभग 1100 लोगों को चिन्हित किया गया, 4 न्याय पंचायत हरपालपुर ब्राक की रह गई थी जिनमें वितरण नहीं हुआ था, वो चारों न्याय पंचायत अब की ली गई। न्याय पंचायत खसौरा, अलीगंज ननखेरिया और बेहटा रामपुरा और चौथी ग्राम पंचायत गोरिया, चारों न्याय पंचायत का ये कार्यक्रम इस बार संपन्न हुआ और उप मुख्यमंत्री जी ने इसमें समय दिया और उनके द्वारा इस बार का वितरण का शुभारंभ किया गया।